बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी, और आज हमारे किचन में होने लगी है जी बेकिंग। और ये तमाम अज्जा हैं आपके सामने, इन्हें गौर से देखें और नोट करें। आज मैं बना रही हूँ गुड मॉर्निंग केक, और इसके लिए जो मुझे चाहिए ये मैंने लिया है 3.5 कप मैदा। ये देखें, ये मेजरिंग कप है, इससे मैंने नाप के लेवल करके 3.5 कप लिया है मैदा। आप अपने घर का कोई भी टी कप जो होता है उससे अंदाज़ा कर लें, उसको 3 दफ़ा भर के और आधा भर के 3.5 कप ले लें। इसी कप से मैंने ली है 2 कप चीनी, और ये है 300 ग्राम ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल लिया है, ये ऑयल में भी बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। और ये है दही 1 कप, ये भी 1 कप भर के ये वाला लेना है मैंने दही का। और आप इसकी जगह बटर मिल्क भी ले सकते हैं, और बटर मिल्क बनाने के लिए पहले आपको 1 कप गर्म दूध लेना होगा, और उसमें 1 टीस्पून भर के आप सिरका डाल देंगे तो वो कर्ड हो जाएगी, उसका बन जाएगा बटर मिल्क। वो बटर मिल्क होता है, आप दही भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑरेंज फ्लेवर में बना रही हूँ, तो इसमें ऑरेंज जूस है, आजकल ऑरेंज आए हुए हैं। अगर आपके पास ना हो आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने अभी फ्रेश ऑरेंज के ही छिलके से ये पील किया है, रगड़ के ऊपर का छिलका लेना है, वाइट पार्ट नहीं लेना आपने उसका, सिर्फ ऑरेंज पार्ट जो लेना है ये लेना है 1 चम्मच, ठीक है। थोड़े से मैं इसमें डालूँगी नट्स की जगह, मैं इसमें सेसमी सीड्स हैं ये, तिल, और 1 टीस्पून भर के जाएगा नमक, 1 टीस्पून सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा इसमें। ये है वनीला एसेंस, और ये 5 अंडे, ठीक है। अब मैं आपको इसको मिक्सिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल बॉल में। आप ऐसा कोई बड़ा खुला बॉल ले लें, और इसमें सबसे पहले डालें ऑयल। ये बड़ा मज़ेदार केक होता है, इसको, इसका नाम जैसे गुड मॉर्निंग केक है, तो आप इसे सुबह नाश्ते में खाएं, आपकी मॉर्निंग वाकई गुड गुड हो जाएगी। और इसमें मैं डाल दूंगी ये चीनी सारी किसी भी, और इन दोनों चीज़ों को हम पहले करेंगे बीट। आप बीटर से भी कर सकते हैं और हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको बीट करें, पहले थोड़ी फ्लफी हो जाए। ये देखिए चीनी अच्छी तरह बीट हो गई है इसकी, 2 मिनट मैंने से अच्छी तरह बीट किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैदा, और साथ साथ डालेंगे 1 अंडा। 1 बाय 1 डालना है, इकट्ठे नहीं डालना, और इसे अच्छी तरीके से बीट करते जाना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैदा, और डालेंगे 1 अंडा ऐसे। मैंने ओवन प्री हीट करने के लिए लगा दिया हुआ है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मैं 45 मिनट तक बेक करूँगी। आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, पतीले में भी 45 मिनट ये रखें आप, बेक हो जाएगा। अब ये फिर एक टेबलस्पून भर के मैदा, अंडा, यहाँ देखें ये 1 टीस्पून भर के नमक, ये भी हमने मैदे में ही शामिल कर देना है, और ये 1 टीस्पून भर के खाने का सोडा, ये ऐसे लेवल करके, बिल्कुल ज़्यादा नहीं आपने भरना, ये 1 टीस्पून भर के ये, इसको भी हम इसमें छान लेंगे। और मैदा भी मैंने 2 मरतबा छाना हुआ है अच्छे तरीके से, जितना छाना हुआ होगा ना ये चीज़ें उतना ही फ्लफी बनता है। इसी में हमने छान लिया मैदे में ही, और अब हम इसमें ही इसे फोल्ड करते जाएंगे। 5 अंडे और चीनी अच्छी तरह ये बीट हो गई, 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह बीट किया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के ऑरेंज जूस, और साथ साथ डालेंगे इसमें मैदा। ये देखें ये 1 कप भर के दही है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ साथ मैदा इस पर
लास्ट जो चीज़ डालनी है ना सूखी ही डालनी है, यानी कि एंड हमने मैदे पे ही करना है, बाकी जो जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है वो हमने साथ साथ इसमें फोल्ड करते रहना है, डालता रहना है। और ये देखें ये वनीला एसेंस भी इसमें चला गया, और ये जो माल्टो के छिलके मैंने कद्दूकस की मदद से रगड़े हैं ये भी इसमें, ये फ्रेश हैं। आप सूखे छिलके भी मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं इसमें। और ये जो तेल है ये भी मैं इसके अंदर मैदे में ही कोट कर दूंगी। जब ये सूखी चीज़ कोई भी आप ड्राई फ्रूट डालें ना तो पहले इसको मैदे में डाल लिया करें, नहीं तो वो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सारा मैदा इसमें डाल के फोल्ड करती हूँ। ये बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब इसकी स्पैचुला की मदद से ये हमने सारा मैदा इसमें फोल्ड कर देना है, और ये क्लॉकवाइज एक ही साइड पे आपने करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखें ये सारा मैदा मैंने इसमें डाल दिया, और इसे स्लोली एंड जेंटली ना बिल्कुल बड़े प्यार से क्लॉकवाइज एक ही साइड पे करें आप इसको, ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मोल्ड ग्रीस करके और इसको मैदा डस्ट किया हुआ इसमें ताकि ये चिपके ना। अब ये सारा मैं जो बैटर है इसके अंदर डाल दूँगी, और आपको मेरे किचन में इंशाल्लाह हर रंग मिलेगा देखने के लिए। बेकिंग भी होगी यहाँ पर, खाने भी होंगे, और देसी माहौल भी होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे खाने पसंद आ रहे हैं या आप क्या मज़ीद चाहते हैं कि मैं बनाऊं, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों में। ये देखें अब इसे मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड के पे जो ओवन मैंने प्री हीट किया हुआ है उस पर मैं इसको 45 मिनट बेक करती हूँ। आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को पहले प्री हीट कर लें, गर्म कर लें, और उसे भी 45 मिनट के लिए स्लो आंच पे आप इसे बेक करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुत अच्छा बेक होगा। ये देखें हमने इसकी ना एक ग्लेज तैयार करनी है, तो ये मेरे पास पहले से बनी हुई थी, मैंने तीलों के साथ बनाई है। थोड़ा 2 टेबल स्पून चीनी लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका शीरा बनाया है थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़े से तेल डाल दिए 1 टेबल स्पून भर के। आप इस तरह बना लें, इसको बस पका लेना है, हल्की सब ना चिपचिपी होनी चाहिए ना गाढ़ी बहुत, बस ये एक दफ़ा एक उबाल दे लें इसको। आप इसकी जगह ना ऑरेंज का जैम ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर लें और पका लें एक दफ़ा, और बस ये ग्लेज हमने इसके ऊपर लगानी है, तो फिर मज़ेदार केक तैयार हो जाएगा। ये देखें इसमें एक उबाला आ गया, मैंने चूल्हा कर दिया बंद, बस ये गर्म गर्म ही हमने केक के ऊपर डालना है, केक भी गर्म होगा और इसको भी इसके ऊपर डालना है तो वो अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बड़ा यमी सा इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएं और बच्चों के साथ इंजॉय किया करें और घर में थोड़ी सी एफ़र्ट किया करें। शुरू शुरू में चीज़ें कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट ही बन जाए, लेकिन आप फॉलो करें रेसिपी को, एंड तक वॉच किया करें, उसको गौर से देखा करें, कुछ समझ नहीं आए तो उसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, तो आपकी भी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि बड़ी आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊँ, और अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। तो ये देखें जी ये माशाल्लाह कितना प्यारा केक हो गया है तैयार, और अब इस पे मैं लगाऊंगी ये ग्लेज, गरम गरम पकी हुई है। ये देखें ये गरम गरम केक के ऊपर ही आपने ऐसे ऐसे डालना है, ये बड़ा जूसी सा भी हो जाएगा इससे और बड़ा यमी मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। आप इसकी जगह जैम वगैरह लगा सकते हो, आपको मैंने बताया है, जैम को थोड़ा पानी डाल के पतला करके पका लें, गाढ़ा सा एक उसका ऐसे ही टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें ऐसे, और मेरे फैमिली का ये फेवरेट केक है ऑरेंज केक फ्लेवर में, तो मेरे बच्चों के तो आज ये गुड मॉर्निंग केक के साथ मॉर्निंग गुड होने वाली है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, थोड़ी एफर्ट किया करें अपनी फैमिली के लिए, तो इससे रिश्तों में बाइंडिंग जो होती है वो मज़ीद मज़बूत होती है। एक दूसरे का इतना ख्याल किया करें उनकी पसंद नापसंद का। और इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इसे।
और मैं अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।